प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी जिंदगी के सफर से जुड़ी यादें और बातें लोग जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब बीजेपी महासचिव बनकर दिल्ली आए थे तो 9 नंबर अशोक रोड के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। बता दें कि 9 अशोक रोड बीजेपी के पुराने मुख्यालय के बगल में स्थित है। बीजेपी का पुराना हेडक्वार्टर 11 अशोक रोड में हुआ करता था। इस कोठी में जब नरेंद्र मोदी महासचिव के तौर पर रहते थे तो इसी बंगले के दूसरे कमरे में बीजेपी नेता जेपी माथुर, कैलाशपति मिश्रा और देवदास आप्टे भी रहा करते थे। उसके बाद जना कृष्णमूर्ति भी यहां रहने लगे। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी को भी बंगले में ही 9 नंबर का एक कमरा दिया गया था। नरेंद्र मोदी यहाँ एक कमरे में रहते थे। एक रूम में उनका दफ्तर बना हुआ था जो कि बाद में अरुण जेटली का दफ्तर भी बना। 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात चले जाने के बाद अरुण जेटली ने इस रूम को अपना दफ्तर बना लिया। वे अक्सर यहीं पर मीडिया से मिला करते थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी यहीं पर उनकी मुलाकात होने लगी। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अरुण जेटली ने ये कोठी छोड़ दी और अपना दफ्तर भी यहाँ से हटा लिया। अब इस कमरे को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का दफ्तर बना दिया गया है।